हेलो दोस्तों, आज हम लोकल बांस से बांसुरी कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो मैंने ये लोकल बांस लाया है, उसे आज बांसुरी बना रहा हूँ। तो दोनों तरफ से इसको कटिंग करना है। मैंने इस वीडियो में फ्लूट कैसे बनाने हैं ये पूरा स्टार्ट टू एंड बताया है। इसमें मैंने नॉर्मल जो फ्लूट में जो चीज़ें हैं वो सब दिखाई है। मैं अगला पार्ट बनाऊंगा, उसमें उसको ट्यून कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा। अगर आपको ये पहला पार्ट पसंद आएगा, आप कमेंट में डाल दीजिए कि हमें ट्यूनिंग का भी वीडियो चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरा ट्यूनिंग कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा। फ्लूट बनाने के लिए पहले मैंने मार्किंग किया है, मार्किंग के बाद फिर उसको होल करना, नॉर्मल होल करना चालू किया है। उसके बाद वो होल फिर मैं दूसरा ड्रिल बिट से बड़ा करूँगा। मैं जो ड्रिल बिट यूज़ कर रहा हूँ आप देखेंगे कि ये ऐसा, अगर ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं तो घर में कचरा कम होता है। अभी मैंने जो मार्किंग किया था उस पर होल करके रखे हैं, उसके बाद मैं बड़ा ड्रिल बिट लेके उसके होल अभी बड़े करूँगा। तो अभी मैं ये सब होल बड़े कर रहा हूँ जो नॉर्मली जिधर मार्किंग किया है उधर होल सब बड़े कर रहा हूँ। ट्यूनिंग इसमें नहीं दिखाया है, बस जिधर जिधर मार्किंग किया है उधर होल कर रहा हूँ। जिन लोगों को बांसुरी बनाना सीखना है उन लोगों को इस वीडियो से मुझे लगता है कि अच्छी जानकारी मिलेगी। और ऐसे लोगों तक अगर मेरा वीडियो पहुंचता है और उनको ये पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। बांसुरी बनाने के लिए जो बांस लगते हैं वो बांस असल में आसाम से आते हैं, लेकिन आज मैं जो बांस यूज़ कर रहा हूँ वो यही का लोकल का है, जहाँ मैं रहता हूँ उधर का है। तो ये बांस उस क्वालिटी का नहीं है जिस बांस से बांसुरी बनती है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि सिर्फ होल किए हैं और ट्यूनिंग भी नहीं किए, फिर उसका आप बजाने का मज़ा ले सकते हैं।
तो दोस्तों ये बन गए अपने लोकल बाम्बू से फ्लूट। देखिए इसके हो अंदर ये बांसुरी तो बन गई लेकिन अभी ट्यून नहीं है। इसको ट्यून करने के लिए हर स्केल को ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ऊपर नीचे होल को और घिसना पड़ेगा। लेकिन मैं बस ये दिखाना चाहता था कि अपना सिंपल अपना लोकल बम्बू से कैसे बांसुरी बनाते हैं। आप बना सकते हैं, आप लोकल बम्बू से कैसे बांसुरी बना सकते हैं।